नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार, यूपी, झारखंड के प्रमुख महापर्व छठ पूजा के महत्व के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। छठ पूजा क्या होती है? छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व है, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 घंटों का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी माना जाता है कि कर्ण, जो कि सूर्य देव के पुत्र हैं, वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ देते थे। पांडवों के स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि उसके इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्य पाठ पुनः मिल पाया था। इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वे अत्यंत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी और जब उन्होंने यह यज्ञ किया, तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दिया। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह पुत्र मृत अवस्था में जन्मा। राजा जब अपने पुत्र का मृत देह लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाही, तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा से कहा कि यदि कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी षष्ठी को सच्चे मन से पूजा किया और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन यह पूजा की थी, वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक इस पर्व की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों के सुख समृद्धि तथा दीर्घायु के लिए करते हैं। छठ पूजा के चार महत्वपूर्ण दिन होते हैं। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाय। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। स्नान करने के पश्चात वे शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चना दाल लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। इस भोजन को सबसे पहले व्रती खाते हैं और उसके पश्चात घर के अन्य सदस्य खाते हैं। खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखती हैं, जिसमें ना वह कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए चासनी, गेहूँ का आटा और घी से बनाई मिठाई ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। संध्या अर्घ। यह तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस दिन व्रती निर्जल व्रत रखकर शाम को नदी या तालाब में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। जब व्रती घाट के तरफ अर्घ देने के लिए जा रही होती हैं, तब उनका बेटा या घर का कोई पुरुष बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चलता है, जिसे बहंगी कहा जाता है। बहंगी में फल, प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है। उषा अर्घ। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूरज की पूजा होती है। व्रती और घर के अन्य लोग एक बार फिर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए गीत गाते हैं। फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत, जिसे चंद्रामृत कहते हैं, उनका सेवन कर अपना उपवास तोड़ते हैं और इस दिन छठ पूजा की समाप्ति होती है। आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल के सभी सदस्यों की ओर से छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।